जय दुर्गे। पौराणिक समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्री सुमुखी अथवा मातंगी कवचम का पाठ करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं श्री सुमुखी अथवा मातंगी कवचम का पाठ। श्री गणेशाय नमः, श्री मातंगी देव्यै नमो नमः, श्री सुमुखी देव्यै नमो नमः, श्री मातंगी कवचम। श्री पार्वत्युवाच, देव देव महादेव सृष्टि संहार कारक मातंग्यः कवचम ब्रूहि यदि स्नेहोस्ति ते मयि। शिव उवाच, अत्यंत गोपनम गुह्यम कवचम सर्व कामदम तव प्रीत्या मया आख्यातम नान्येषु कथ्यते शुभे। सपथम कुरु मे देवी यदि किंचित प्रकाशशे अनया सदृशी विद्या न भूता न भविष्यति। सवाशनाम रक्तवस्त्रम युवतीम सर्वसिद्धिदम एवं ध्यात्वा महादेवीम पठेत कवचमुत्तमम्। उच्छिष्टम रक्षतु शिरः शिखं चंडालिनी ततः सुमुखीं कवचम रक्षेद देवी रक्षतु चक्षुषी। महापिशाचिनी पायान नासिकां ह्रीं सदा अवतु। ठह पातु कंठ देशं मे, ठह पातु हृदयं तथा। ठो भुजौ बाहु मूले च सदा रक्षतु चंडिका। एम च रक्षतु पादौ मे सह कुक्षिं सर्वतः शिवा। एम ह्रीं कटी देशं च आम ह्रीं संधिषु सर्वदा। ज्येष्ठ मातंग्य गुलिर्मे अंगुल्यग्रे नमामि च। उच्छिष्ट चांडाली मां पातु त्रैलोक्यस्य वशंकरी। शिवे स्वाहा शरीरं मे सर्वसौभाग्यदायिनी। उच्छिष्ट चांडाली मातंगी सर्ववशंकरी नमः। स्वाहा स्तन द्वयं पातु सर्वशत्रु विनाशिनी। अत्यंत गोपनम देवी देवैरपि सुदुर्लभम भ्रष्टिभ्यः साधकेभ्यो अपि द्रष्टव्यं न कदाचन। दत्तेन सिद्धिहानिः स्यात् सर्वथा न प्रकाश्यताम्। उच्छिष्टेन बलिं दत्त्वा सनौ वा मंगले निशि। रजस्वलाभगं स्पृष्ट्वा जपेन्मन्त्रं च साधकः रजस्वलाया वस्त्रेण होमं कुर्यात् सदा सुधिः। सिद्ध विद्या इतो नास्ति नियमो नास्ति कश्चन। अष्टसहस्रं जपेन्मन्त्रं दशांशं हवनादिकं। भूर्जपत्रे लिखित्वा च रक्तसूत्रेण वेष्टयेत्। प्राणप्रतिष्ठा मन्त्रेण जीवन्याशं समाचरेत्। स्वर्णमध्ये तु संस्थाप्य धारयेद् दक्षिणेकरे। सर्वसिद्धिर्भवित्तस्य अचिरात् पुत्रवान् भवेत्। स्त्रीभिर्वाम करे धार्यं बहुपुत्रा भवित्तदा। वंद्या वा काकवंद्या वा मृतवत्सा च सांगना। जीवद्वत्सा भवित्सापि समृद्धिर्भवति ध्रुवं। शक्तिपूजां सदा कुर्याच् शिवा बलिं प्रदापयेत्। इदं कवचं ज्ञात्वा मातंगी यो जपेत् सदा
तस्य सिद्धिर्न भवति पुरश्चरण लक्षतः इति श्री रुद्रयामले तंत्रे श्रीमातंगीषु मुखि कवचम संपूर्णम् श्रीमातंगीषु मुखी देव्यै नमो नमः। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। आपके अपने चैनल पौराणिक समाधान को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारी इस वीडियो या हमारी किसी भी वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। हमारी वीडियोस कैसी लगती है तथा अपने इष्ट देव की जय लिख करके हमें कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए हमारा मनोबल बढ़ता रहे। माँ भगवती की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदैव बनी रहे। जय दुर्गे।